दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर उस वक्त हमला बोल दिया जब पुलिस टीम शराब माफियाओं के ठिकाने पर रेड मारने आई थी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा बनाया गया वीडियो भी सामने आया है। दरअसल वाकया गुरुग्राम के पोश इलाके DLF फेज 3 का है। पुलिस को गुप्त सूत्रों से खबर मिली थी कि DLF फेज 3 के नाथुपुर गांव के यू ब्लॉक में कुछ लोग शराब के ठेके के पास से अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। इस पर पुलिस टीम जब वहां पहुंची तो पुलिस पर शराब बेच रहे लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों शराब के साथ पकड़ लिया था। लेकिन इस दौरान ही वहां मौजूद कुछ लोगों ने शराब की बोतलें फोड़ दी और पुलिस टीम के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस टीम ने थाने के SHO राम कुमार और एक ASI में 4 पुलिसकर्मियों को चोट आई। SHO राम कुमार को सिर में चोट लगी जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सिर में पट्टी बांधकर जरूरी दवाई देकर उनको अस्पताल से 1 घंटे के बाद छुट्टी दे दी जबकि ASI व अन्य पुलिसकर्मियों को हल्की चोट आई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कालाधिकारी के साथ गुरुग्राम का पूरा पुलिस बल रात में ही DLF फेज 3 थाने में इकट्ठा हो गया और इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि थाने के SHO को चोट लगने के बाद भी वो थाने में अपनी ड्यूटी करते नजर आए। ASI सुनील के नेतृत्व में जो पुलिस पार्टी वो रेडिंग के लिए गई थी नाथुपुर में, शराब की जो है कि इन्फॉर्म थी उस पर रेड कंडक्ट की थी। जो इस संबंध में वहाँ पर एक अंकित और एक पवन और 5-6 लड़के और थे जिन्होंने पुलिस पार्टी के जो कार्य है उसमें बाधा डाली और उस पर जो है उनको जब वो रेड कंडक्ट कर रहे थे तो हाथापाई की चोटें पहुँचाई। जो इस संदर्भ में पुलिस स्टेशन DLF फेस में मामला दर्ज कर लिया गया है और जो रेलिवेंट सेक्शन से उनने मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। सर कितने अधिकारी को चोट आई सर? ये भी सारे जो 3-4 पुलिसकर्मी हैं उनको चोटें आई हैं। सर SHO के साथ मारपीट हुई है या ASI? ये सारा 5-6 जो पुलिसकर्मी हैं वो पुलिस स्टेशन से संबंधित। क्या कोई गिरफ्तार? अभी गिरफ्तारी नहीं।